नहीं नहीं ठीक है आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड आई थिंक नाउ वी सी ऑल काइंड इन लॉट्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर द कल्चर ऑफ फिल्म मेकिंग इट्स गुड फॉर द कल्चर ऑफ सिनेमा व्यूइंग new people are making films and new audience is being created in the process I think it's a very healthy sign for cinema in general and filmmaking they're contributing to the cinema well absolutely I think the cinema conscious audience and cinema audience that is exposed to all kind of cinema when they come to these festivals in small towns and cities of the country I think they have a great amount of exposure that they get exposed to and they have a great amount of learning that they go through and I think it's very healthy for a country that is that lives in cinema and that breathes cinema country like society like India which is the biggest film producing country in the world and I think it's a very healthy trend all these film festivals happening all across the country sir after creating a landmark with Joy LB what's next in the pipeline kaha landmark hai mujhe to dikhana hai log banda hai No, I'm very happy the way Jolly LLB was received by people. जहाँ तक अगली फिल्म का ताल्लुक है मैं अभी अपनी अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ अभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है एक बार स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो उसके बारे में बात करेंगे नहीं मेरा जो स्टाइल है मेरा जो अंदाज बयां है कहने का वो ह्यूमर और सटायर के साथ में एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उम्मीद है अगली स्क्रिप्ट में भी वैसे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार तैयार हो जाएगी तो फिर बात करें डन क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके इन दिनों क्या कर रहे हैं जॉली एलएलबी तो काफी एग्रेसिव क्यों हुई बोल तो दिया डार्लिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं वो जो बिल्डिंग बना रहा हूँ बोल दिया है ना आई एम वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्क्रिप्ट डार्लिंग कुछ आपसे अर्ज किया ना कि मैं अगली स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है और चूंकि अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है एक बार स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी तो आप सब लोगों से बात करूंगा आपके सवाल कैसे टाल सकता हूं मेरी इतनी हिमाकत लेकिन ये जरूर है कि इतना कह सकता हूं कि जिस तरह की फिल्में चाहे वो फंस गए ओबामा हो चाहे जॉली एलएलबी हो व्यंग के माध्यम से फटायर के माध्यम से जो एक मैसेज देने की कोशिश करता हूं वो अगली स्क्रिप्ट में भी आपको देखने को मिलेगा अभी मैंने नींव खोदी है अभी नींव खोदी है अभी अभी लिखना शुरू किया है तो चूंकि मैं खुद लिखता हूँ थोड़ा समय लगता है मुझे लिखने में और राइटिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं समझता हूँ अगले 2 से 3 महीने में मैं समझता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट खत्म कर पाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या बना रहा हूँ थैंक यू तो बड़ी अच्छी चीज है कि दैनिक जागरण की तरफ से एक इतना अच्छा सा फेस्टिवल यहाँ तक आया है पूरे हिंदुस्तान को घूम के और ये तो गढ़ है मुंबई गढ़ है सिनेमा का बहुत सारा सिनेमा पुराना सिनेमा आज का सिनेमा यहाँ दिखाया गया ये एक बहुत ही बढ़िया बात है हम एक्टर्स के लिए यहाँ सारे जो सिनेमची हैं जो सिनेमा से प्रेम करते हैं उन सब के लिए काफ़ी अच्छी बात है और इसी दैनिक जागरण मेरे लिए एक ऐसा पेपर है मुझे जहाँ तक याद आता है कि ये एक वो अखबार है जिससे मेरा कनेक्शन काफ़ी गहरा है क्योंकि यही वो पहला अखबार है जिसे मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है और नॉर्थ में ये पेपर क्या है मैं जानता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और वहाँ से बहुत सारे एक्टर्स हैं जो यहाँ आते हैं और उनके बारे में ये पेपर हमेशा लिखता रहा है उनको मदद मिलती है और इस तरीके की जो शुरुआत हुई है फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत हुई है और फेस्टिवल आज इतना बड़ा है ये सबके लिए खुशी की बात है मुझे लगता है कि जो नॉर्थ के आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ स्पेशली बुलाया जाना चाहिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक रिश्ता है नॉर्थ का ये पेपर है और नॉर्थ के बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनको बुलाइए उनका सम्मान करिए उनको भी खुशी होगी वो चाहते हैं आना मेरी आज शूट थी और
मैंने पैकअप किया, मैं भाग के आया. आई लव द फेस्टिवल एंड आई एम सो हैप्पी. आई एम फीलिंग रियली सो लकी कि मेरी तीन फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में रही हैं पिछले दो साल में. गैंग्स ऑफ वासेपुर डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, देन बॉम्बे टॉकीज जो 100 साल सिनेमा के उपलक्ष्य में बनी थी जिसमें चार बड़े डायरेक्टर थे, अगेन माय स्टोरी डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, देन अगली जो इस साल थी कान फिल्म फेस्टिवल में. तो सो हैप्पी. एंड अगला प्रोजेक्ट मेरा अगली है जिसके निर्देशक अनुराग कश्यप जी हैं, और गोरी तेरे प्यार में धर्मा प्रोडक्शंस की जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, डायरेक्टर इज द पुनीत मल्होत्रा, करीना कपूर, इमरान खान, मैं, अनुपम खेर जी, ये लोग हैं फिल्म में. थैंक्स टू अनुराग कश्यप, वो भी नॉर्थ से. गोरी तेरे प्यार में फिल्म का टाइटल भी अच्छा है, गोरियों को देखते हैं क्या मुझे है? गोरियों को देखते हैं तो गुदगुदी होती है, किसी नहीं होती, जो बोलता नहीं होती वो झूठ बोल रहा है. फिल्म के बारे में मतलब फिल्म में गोरियों के प्यार में या रियल लाइफ में गोरियों के प्यार? तो रियल लाइफ में जरा क्यों इतना रियल लाइफ में घुसना चाहते हो आप? आपने कहा कि किसे कुछ नहीं होता, हर किसी को कुछ ना कुछ होता है. नहीं नहीं, मैं मेरे लिए गोरी ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, और अच्छी सी कोई गोरी मिलेगी तो फिर पकड़ ही लेंगे. सर जब नॉर्थ का फैसला करते हैं तो हम लोग किस नॉर्थ की बात कर रहे हैं? के ऊपर और नॉर्थ की बात कर रहे हैं. नॉर्थ मतलब जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ तो ये पेपर है. मतलब पंजाबी बेल्ट उसको भी कवर कर रहे हैं? जाए दैनिक जागरण सब जगह जाए, अच्छा है. नॉर्थ का कोई मेरे किसी चीज का ऐसा मतलब मत निकालिए. नहीं नहीं वैसा नहीं, मतलब क्यों आपने अच्छा पॉइंट नोटिस किया कि मतलब जो बात बात करते हैं नॉर्थ बात सी, आप यूपी बिहार दिल्ली मध्य प्रदेश राजस्थान और भी कुछ ऐसे स्टेट्स जो छूट रहे हैं सबको पता है. इन सारी जगहों से बहुत सारे बड़े बड़े बेहतरीन उम्दा कलाकार यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको बुलाइए, उनको बताइए, उनसे वो भी जुड़ना चाहते हैं. जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आई एम वेरी हैप्पी. मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, मेरी लगातार शूट थी तो मैं देख नहीं पाया, गया था लेकिन फिल्म नहीं देख पाया. मेरी भी फिल्म बॉम्बे टॉकीज है, सो हैप्पी. थैंक यू. Thanks a lot.